press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Hello and welcome to the Current Affairs Show based on the Hindu. A very, very warm good morning to everyone who is watching this particular show. It is a fantabulous morning, guys, and I want everyone to be happy and content with this particular mission, with this particular earnest opinion of myself regarding everyone who's watching the show. Hello and welcome. This is the Current Affairs Show based on the Hindu, and I am Kush Pandey. Chaliye shuru karte hain aaj ki charcha. Par shuru karne se pehle dikha dein aapko ek aisi image, which is the image of the all the unsung heroes of our life. अभी आप लाइफ में जीरो होंगे, अभी आप लाइफ में फेलियर होंगे, अभी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे, या फिर कई आप में से जो आपके फादर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, दे मे बी सक्सेसफुल, बट इन एवरी लाइफ वी हैव सर्टन पीपल हु आर द अनसंग हीरोज, जो समय समय पर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. सो टुडे द हीरोज ऑफ द डे आर ऑल दोज अनसंग हीरोज जो कि हमारे लाइफ में हैं. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी फेमस इमेज ऑफ अ थाई कमर्शियल, एक थाई शायद थाईलैंड या फिर इंडोनेशियन कमर्शियल था उसका इमेज है. सो अ वेरी वार्म वेरी वेरी अ फार क्राई टू ऑल दोज अनसंग हीरोज ऑफ आर लाइफ गाइस. तो उनके लिए यहां पर देखिए लोग लिख भी रहे हैं, टू द टेक टीम ऑफ अड्डा जी, वो भी हमारे अनसंग हीरोज हैं, तो उनके लिए भी तारीफ तो बनती हैं. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द शो, मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आई वॉन्ट टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट फॉलोड यूट्यूब चैनल एंड द मोस्ट फॉलोड करंट अफेयर शो. उसके लिए मैंने क्या किया है, आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू, देन वी हैव सम हेडलाइंस फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, एंड अगर कुछ हेडलाइन बचती भी हैं तो उसके लिए मैंने जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनसे हेडलाइन लिया है. तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं और कोई और आपको कंटेंट देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव कवर्ड द डेली जीके अपडेट्स, वी हैव कवर्ड द इंडियन एक्सप्रेस, वी हैव कवर्ड द हिंदू, वी हैव कवर्ड द अदर सोर्सेज जहाँ से हेडलाइंस आपकी बनती हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द न्यू सॉर्ट ऑफ पैटर्न ऑफ आर शो, और वो ये रहा आपके सामने द हेडलाइंस अलॉन्ग विद द क्विजेस एज वेल. Page number 2, then we have page number 6, then we have page number 10, we have two headlines, then we have page number 13, then we have three financial terms, then we have page number 15, page number 16, then we have two headlines for page number 18, then we have Indian Express, jahan par ki aapki headlines hain 1, 2, 4 and 6, then we have others mein, we have three headlines, then we have a rapid fire quiz, jo ki aapke samne 15 questions honge, and fir aapke samne hai daily GK updates ke quiz, jo ki hai aapke samne 10 questions guys. To chaliye shuru करते हैं, क्यों देरी करें भाई, एंड लेट्स स्टार्ट द ऑसमनेस गाइस, एंड लेट्स हैव द इमेज ऑफ अ फर्स्ट हेडलाइन, एंड वो ये रही आपके सामने. वेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज एन इमेज ऑफ द असमीज फाइनेंस मिनिस्टर, असम के जो वित्त मंत्री हैं उनकी इमेज है. और यहां पर दोस्त आप देखिएगा ध्यान से कि असम के अंदर प्रेजेंट किया गया है बजट. नाउ वैसे तो बजट हर जगह होता है प्रेजेंट, बट इस बार असम का बजट कुछ खास है. दी असमीज बजट दिस ईयर इज़ वेरी वेरी रेयर, इट्स अ वेरी यूनिक बजट. वापस स्क्रीन पे आए दो कारणों की वजह से. पहला कि दे हैव प्रोवाइडेड अ स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स, एंड दे हैव प्रोवाइडेड दिस बजट इन एन ई फॉर्म और एन ऑनलाइन फॉर्म थ्रू अ गूगल ऐप. तो ये दो बड़े काम हुए हैं इस बार बजट में, कि उन्होंने गर्ल्स के लिए अलग से एक रखा है स्टाइपेंड, एंड नंबर वन. एंड नंबर टू, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन एन ऑनलाइन फॉर्म विच इज़ अवेलेबल थ्रू द गूगल ऐप. तो ये हमारी आज की पहली हेडलाइन है, और स्क्रीन पर दिखा दें. स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स सॉप्स फॉर फार्मर्स इन असम बजट, ₹2,159 करोड़ डेफिसिट इन द स्टेट्स फर्स्ट एवर ई बजट अवेलेबल ऑन गूगल ऐप. तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ फोकस करिएगा. नंबर
number one, there is a stipend for girls. And number two, there is the first e-budget available on the Google app. दोस्तों यहाँ पर focus करिएगा पहले paragraph पे because that is very very important. The Assam government on Sunday announced an annual stipend for girls in the state to purchase sanitary napkins and scholarships for those belonging to the minority communities besides a zero interest crop loan for farmers, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. तो overall करीब 600 रुपए का मिलेगा एनुअल स्टाइपेंड बैंक अकाउंट में महिलाओं के, जिससे कि वो परचेज कर सकती हैं सैनिटरी नैपकिन्स को. तो एक नई पहल हुई है बाय द असम गवर्नमेंट, जहां पर दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑफर्स टू गर्ल्स एज वेल एज टू द एग्रीकल्चर फार्मर्स. ओवरऑल जो बजट आपका है वो है 2149 करोड़ डेफिसिट का. इट इज़ अ बजट ऑफ 2149 करोड़ डेफिसिट. वो आप स्क्रीन पे आते हैं नाउ. मुझे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइपेंड, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं. तो कोई बता दे कमेंट सेक्शन में कि सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइपेंड. तब तक हम आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. असम विल प्रोवाइड एन एनुअल स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स इन द स्टेट टू परचेज सैनिटरी नैपकिन्स. Assam's budget is now the state's first budget, which is online form, digital form, available on Google app. जो stipend होगा वो मिलेगा 600 रुपये, जो कि हर महिला को मिलेगा. It will be transferred to around 5 lakh girls aged 12 to 20 years and belonging to families with annual income less than 5 lakh, उन सबको मिलेगा. Similarly यहाँ पर GI tags, कुछ geographical IDs भी बनाई जाएंगी. For example, for Lao Pani, for Saj, for local liquor made from fermented राइस, देन वी हैव एग्जॉटिक राइस लाइक कोमाल साउल, जोहा साउल, बोरा साउल. अदर आइटम्स में टैग जो मिलेगा वो मिलेगा कोपाऊ को, फुलामी जापी को और एनडी सिल को. तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुश फॉर गेटिंग जीआई टैग्स फॉर ऑल दीज थिंग्स. तो दोस्तों यहां पर तीजे समझिएगा, सबसे पहले कि दे विल प्रोवाइड एन एनुअल स्टाइपेंड फॉर द गर्ल्स फॉर परचेजिंग सैनिटरी नैपकिन्स. जिनको नहीं पता भाई जाके पैडमैन देख लो. सेकेंड, इट इज द स्टेट्स वेरी फर्स्ट ऑनलाइन बजट. जो स्टाइपेंड है दैट इज़ एट 600 रुपीज़. एंड उसके अलावा वहाँ पर GI टैक्स भी दिए जाएंगे और आपके सामने दिए हुए हैं दी एग्जाम्पल्स ऑफ क्या क्या आपके GI टैक्स हैं. प्रिंसी रोजेरा, आपको समझ में क्या नहीं आया प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आपको समझा देता हूँ. तो यहाँ पर दोस्त समझिएगा कि स्टाइपेंड मतलब वजीफा, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि दिया जाएगा, जो कि है आपके सामने 600 रुपये, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो गाइस, आई होप आपको जो हमारा फर्स्ट एक स्लाइड समझ में आ गया होगा, बिकॉज दीज हेडलाइंस, दीज आर द important information from the headline, that is stipend for girls sops for farmers in Assam budget. अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इसी का the Hindu, इसी का the static short, जिसका static GK का part है वो दिखाते हैं आपको. The capital of Assam is Dispur. The governor is Jagdish Mukhi. The current chief minister guys is Sarbanand Sonowal. It is known as gateway to northeast India. भारत में जो पहला ऑयल रिजर्व है वो भी यहाँ पाया गया और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बूस का इंडिया में. अगर यहाँ बात करें मेजर रिवर्स की तो वो हैं सुभानसिरी, लोहित एंड दिहांग. मेजर आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो वो हैं आपके म्यूजिक में आइनाम, बोरगीत एंड डांस में बिहू, झुमूर एंड सत्रिया नृत्य. इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स दी अबंडेंस हियर फाइंड इज हार्ड सैंड स्टोन, सॉफ्ट एंड लूज सैंड. अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आपके सामने दिया हुआ है राइस है, टी है, जूट है, ऑल सीड्स हैं. इन टर्म्स ऑफ GI तो यहाँ पर ऑलरेडी जिनके पास GI टैग है ऑलरेडी ऐसी चीज़ें जो कि जहाँ पर ज्योग्राफिकल ID है जिनका, वो हैं मूगा सिल्क, तेजपुर लीची, देन वी हैव कार्ती एंगलोंग जिंजर. अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो वो हैं आपके सामने डिब्रू सिखोवा, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड ओरांग नेशनल पार्क. अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो आपके सामने है ओरांग, नमेरी, काजीरंगा एंड मानस. अब यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर वन, विच स्टेट हैज़ प्रेजेंटेड इट्स वेरी फर्स्ट ऑनलाइन बजट. द आंसर इज असम. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द एनुअल स्टाइपेंड गिवन टू गर्ल्स एजेड बिटवीन 12-20. द आंसर इज 600 रुपीज. क्वेश्चन नंबर थ्री, what is the capital of Assam. Question number 4, which of the following states is called as gateway to North India. Question number 5, Lohit is a major river in which of the following state. Question number 7, hard stone, soft and loose sand are the major minerals in which state. Question number 8, Muga silk
silk is a GI tag in which particular state? And the last question, Orang Tiger Reserve is a reserve in which of the following state? सारे सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है. So love you Assam. I've been to Assam. I'm a big fan of Assam. And someday I'll again go back to the state of Assam. So guys, I hope जो first headline आप clear होगी होगी. परेशान ना होइएगा. Next turn से हम background को सही कर देंगे. We will make it much more clearer. पर तब तक आज इसी पर focus करें. हम next turn पे will surely make it much better and much more clearer. So I hope this is clear. अगर clear है तो भाई बार comments में डाल दीजिए. Yes sir, it is perfectly fine. ये पूरी तरीके से हमें clear हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's come back to the screen guys. And now let's focus on our next image. And ये रही आपके सामने हमारी next image. And this is the image guys. Well, हम बात करते हैं झारखंड की. Let's focus on झारखंड because झारखंड में एक गाँव है. झारखंड में एक सिटी है, उसका नाम रांची. इन द सिटी रांची वी हैव अ पर्टिकुलर विलेज दैट इज नाउ अल्कोहल फ्री. और ऐसा पहली बार हुआ है कि रांची में एक ऐसा गांव है जिसको बनाया गया है नॉन अल्कोहल या फिर अल्कोहल फ्री. तो एक बार दिखा दें हेडलाइन को. दिस हेडलाइन गाइज इज ऑन पेज नंबर 6 विच इज़ द नेशन पेज ऑफ द हिंदू न्यू दिल्ली एडिशन. जिनके पास नहीं है वो इसको ऑनलाइन परचेज या फिर ऑनलाइन इसको अवेल कर सकते हैं. द बनलोटवा इज द फर्स्ट अल्कोहल फ्री विलेज इन रांची. ये हमारी आज की नेक्स्ट हेडलाइन है. बनलोटवा, बाप रे बाप क्या नाम है, हैज़ बिकम द फर्स्ट अल्कोहल फ्री विलेज इन द रांची डिस्ट्रिक्ट एंड इन झारखंड एज पर चीफ मिनिस्टर रघुबर दास. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट दे विल बी गिवन ₹1,00,000 कैश टू द विलेज हेड. तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि बनलोटवा एक आपका गाँव है. दिस गाँव दिस विलेज इज इन इन रांची. यहाँ पर दारू नहीं मिल रही है. मदिरा पान जिसको मैं कहता हूँ सभी भाषा में, वो यहाँ पर नहीं मिलती है बिकॉज अब ये अल्कोहल फ्री हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट इट हैज़ बिन अवॉर्डेड ₹1,00,000 कैश टू द विलेज हेड. दिखा दें इसी का द हिंदू इंस्टाटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने. दिस इज आर सेकेंड हेडलाइन. बनलोटवा हैज़ बिकम द फर्स्ट अल्कोहल फ्री विलेज इन रांची. एज पर चीफ मिनिस्टर ही विल गिव ₹1,00,000 टू द विलेज हेड. अगर झारखंड की बात करें तो इसका कैपिटल है रांची. द गवर्नर इज डी मुर्मू. द करेंट CM इज रघुबर दास. हाईलाइट की बात करें तो 29% ऑफ द कोल रिजर्व्स एंड इज फाउंड इन झारखंड. एंड इट इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर कि कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट पाया जाता है. अगर मेजर रिवर्स की यहाँ बात करें तो वो हैं मयूराक्षी, अमानत और खरकाई. फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पर है छठ पूजा, बहुत ही फेमस पूजा है यहाँ की, बसंत पंचमी, जितया भैया दूज. ये यहाँ पर तीन सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी हैं. यहाँ बात करें डांस की तो डांस यहाँ पर हैं छाऊ, पाइका और हुंता. मिनरल्स की बात करें तो मेन मिनरल्स आर कोल, आयरन ओर एंड कॉपर ओर. एंड द नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर इकलौता है दैट इज़ द बेटला नेशनल पार्क. अब यहाँ पर सवाल क्या बनेंगे, द क्वेश्चन, मिस्टर जनरल ये इंपॉर्टेंट खबर है मेरे भाई. पता नहीं आप कैसे कह देते हो इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, भरोसा करो मेरे ऊपर प्लीज़. सो सवाल बनेगा विच हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन रांची टू बिकम एल्कोहल फ्री. द आंसर इज बनलोटवा. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 आसान सवाल बनेगा, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड. आंसर इज डी मुर्मू. क्वेश्चन नंबर 3, मयूराक्षी इज अ मेजर रिवर इन विच पर्टिकुलर स्टेट. क्वेश्चन नंबर 4, छठ पूजा इज अ मेजर फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. क्वेश्चन नंबर 5, छाऊ इज अ डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 7, द बेटला नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट. द आंसर विल बी नेशनल पार्क, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप लगातार शो को लाइक भी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करें क्योंकि मुझे बहुत ही आनंद मिलता है उससे. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज. एंड ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइज. वेल अगेन वी हैव टू हेड्स ऑफ स्टेट. वी हैव द हेड ऑफ फ्रांस Emmanuel Macron, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है. एंड देन वी हैव द एवर स्माइलिंग नरेंद्र मोदी साहब जो कि साथ में यहां पर हैं. ये जो हमारी खबर है दोस्तों, दिस हेडलाइन इज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 10. एंड अगेन रिपीट, दिस इज द न्यू दिल्ली एडिशन. ये जो खबर आपके सामने है ये पेज नंबर 10 पर है. दिखा दें स्क्रीन पर इस खबर को.
मोदी एंड मैक्रोन गो ऑन अ बोट राइड. मैंने आपको कल बताया था कि एक बोट राइड पर जाएंगे 80 घाट से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड माननीय जो हेड ऑफ स्टेट हैं माननीय प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस दैट इज इमैनुअल मैक्रोन एंड दे हैव गॉन ऑन अ बोट राइड. सो ये एक तरह का रिविजन ही है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन अ बोट राइड ऑन द गंगा ऑन मंडे. ये आपकी बोट राइड स्टार्ट हुई फ्रॉम 80 घाट एंड इट वेंट टू द दशाश्वमेध घाट इन वाराणसी. तो शुरू हुई 80 घाट से खत्म हुई आपकी दशाश्वमेध घाट की इन वाराणसी. अपार्ट फ्रॉम दिस मोदी ऑल्सो इनोग्रेटेड अ 75 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. यहां पर उनके साथ मैक्रोन साहब भी थे. यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दिस पर्टिकुलर पावर प्लांट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट बाय अ फ्रेंच कंपनी कॉल्ड एज एनगी और इससे करीब करीब बिजली प्रोवाइड होगी टू 1.5 लाख होम. तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें एडिशनली भी हैं. नंबर वन देखिएगा ध्यान से कि दी सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एंड दिस सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट इन द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. मेरी जो दादी है मिर्जापुर से ही है. क्या बात है, अच्छा अच्छा जगह नाम का आ गया. नंबर टू दी कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर प्लांट इज 75 मेगावाट एंड दिस पर्टिकुलर पावर प्लांट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हैज़ बीन बिल्ट बाय द फ्रेंच कंपनी दैट इज एनगी एंड इससे करीब 1.5 लाख होम्स का भला होने वाला है. सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस एंड अब आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने. सब मौर्य ये न्यूज फालतू नहीं है मेरे भाई, कृपा है आपसे अंडरस्टैंड, ये बड़ी खबर है. बोथ लीडर्स रोड ऑन अ डेकोरेटेड बोट फ्रॉम 80 घाट टू दशाश्वमेध घाट. अर्लियर मिस्टर मोदी इनोग्रेटेड अ 75 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन द नेबरिंग मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. दिस पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट बाय एंगी विच इज़ अ फ्रेंच कंपनी विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू 1.5 लाख होम्स. मिस्टर मोदी ने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया एक नई ट्रेन को. उस ट्रेन का नाम है काशी पटना जनशताब्दी जिसको कि उन्होंने फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम बनारस इटसेल्फ जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है. अब यहाँ पर सवाल बनेगा आपके सामने ध्यान से. क्वेश्चन नंबर वन, What is from which particular district a 75 megawatt solar power plant is built? The answer is Mirzapur. Which is the company that has built? That is Engie. Number three, from which ghat did the boat ride start? The answer is it is 80 ghat, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. So guys, अब वापस स्क्रीन पे आते हैं. So we've covered till page number 10. अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन और ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. आई होप जो शो का स्पीड है वो आपको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर हो गया है एक बार कमेंट में डाल दीजिए यस सर इट इज़ ऑल राइट, यस सर इट इज़ परफेक्टली फाइन, यस सर हमें पूरा क्लियर यहाँ पर हो रहा है. चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन. दोस्त आपके सामने दिया हुआ है नाउ दिस जो आपके सामने इमेज है. दिस इमेज गाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ S-400 डिफेंस सिस्टम and according to India, it will purchase around five such defense systems by March 31. March 31 तक वो करीब 5 ऐसे defense systems को purchase कर लेगा. तो दिखाते हैं आपको सामने, ये रहा आपके सामने headline. India and Russia could be just weeks away from signing one of the biggest defense deals between the two sides in the recent history. As per the sources, this deal is for the S-400 Triumph long-range air defense systems, जिसके लिए deal आप की जाएगी and it will be done by March 31. अब यहाँ बात करेंगे तो द डील विल कॉस्ट अराउंड 39,000 करोड़ एंड इस डील को फाइनल किया जाएगा बाय मार्च 31 गाइस. सो स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं द S-400 डिफेंस सिस्टम दिस पर्टिकुलर डील हैज बी विल बी फाइनलाइज्ड. दिस डील विल बी फाइनलाइज्ड बाय मार्च 31. इस डील का नाम है द S-400 ट्राइम्फ. S-400 ट्राइम्फ गाइस इज बेसिकली एंटी डिफेंस सिस्टम और ये दुनिया का सबसे ही पॉपुलर और सबसे एडवांस्ड एंटी डिफेंस सिस्टम है. तो दिखा दें आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. The S-400 long range air defense system has been will be purchased by India. This deal is between India and Russia. भारत रशिया के बीच ये आपकी डील है और ये क्लोज होगी आपकी 31 मार्च तक. इसमें करीब 5 आपके ऑर्डर्स होंगे जिसका कॉस्ट होगा आपके सामने 39,000 करोड़ जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. यहाँ पर S का मुझे फुल फॉर्म नहीं मिला, अगर आपको मिल गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल सकते हैं. अगर आप S-400 की बात करें तो S-400 इज़ एन एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एन
अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम टूडे। अब यहाँ पर सवाल बनेगा क्वेश्चन नंबर वन, S-400 डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच कंट्री, नंबर वन, नंबर टू टिल विच डेट इट विल बी कंप्लीटेड एंड नंबर थ्री व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द S-400 डील। ये तीन सवाल यहाँ पर आपके सामने बन जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं एंड लगातार भैया शो को लाइक करते रहो अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो। अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज एंड ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइज। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस गाइज, और ये जो हेडलाइन आपके सामने है ये मेंशन की गई है पेज नंबर 13 पर। ये मेंशन की गई है दोस्त पेज नंबर 13 पर, एक बार दिखा दे स्क्रीन पर हेडलाइन को। IIP quickens to 7.5% and inflation has come down. जो IIP आपका है वो आपका कम हो गया है। Now the IIP is at 7, IIP आपका बढ़ गया है, now that is at 7.5% and जो आपका जो inflation है वो आपका अब कम हो गया है, that is at 4.4% जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिया हुआ। तो दिखा दें एक बार स्क्रीन पर द हेडलाइन गाइज एंड ये रही आपके सामने। यहाँ पर दोस्त पहले बात करते हैं IIP के बारे में, लेट्स कम बैक टू स्क्रीन। नाउ IIP स्टैंड फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP इज एन इंडेक्स दैट टेल्स हाउ मच प्रेशर और व्हाट इज द मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द कंट्री। IIP का फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक सूचकांक है जो बताता है कितना प्रेशर या कितना एक्टिविटी है आपका इंडस्ट्रीज पे, इसे हम कहते हैं IIP या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इस बात को आप गौर कीजिएगा, IIP इज बेसिकली एन इंडेक्स विच चेक्स दी प्रेशर और द मेजर ऑफ द एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसे हम बताते हैं IIP के अंदर। एंड CPI गाइज, CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर द्वारा फेस किया गया इन्फ्लेशन, द इन्फ्लेशन और द प्राइस चेंज दैट इज फेस्ड बाय कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड एज अ CPI। तो IIP आपका हो गया है 7.5% और जो CPI आपका दोस्त है वो हो गया है एट 4.4%। तो स्क्रीन पर दिखा दें, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सेलरेटेड इन जनवरी टू 7.5% ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड रिबाउंड इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यहाँ पर मैं फिर फोकस करूँगा कि यहाँ पर याद करिएगा कि जनवरी महीने में द IIP इज एट 7.5% एंड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी the consumer price index inflation is at 4.4%. Earlier it was above 5%, but now for the month of February it is at 4.4%. अब let's focus on the Hindu and Static Shorts इस headline का, और ये रहा आपके सामने the Hindu and Static Shorts. Now IIP will stand for Index of Industrial Production has increased and this is a good sign, अच्छी खबर है कि आपका बढ़ गया है at 7.5%. अगर बात करें retail inflation की तो वो आपका हो गया है अब 4.4% फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अगर यहां बात करें तो इन्फ्लेशन कम हुआ है बिकॉज जो फूड और जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें कमी आई है। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज RBI शैल नॉट चेंज इट्स पॉलिसी। RBI की पॉलिसी में अप्रैल में अब शायद कोई और चेंज यहां पर आएगा नहीं। तो दोस्तों यहां पर चार चीजें हैं, नंबर वन IIP stand for Index Industrial Production which has increased for the month of January, number one, and number two यहाँ पर retail inflation जो है वो आपका हो गया है at 4.4% जो कि पहले था आपका 5% से ज़्यादा। अगर यहाँ IIPs की बात करें, IIP basically is an index which details out the growth of various sectors in an economy and it is compiled and published by CSO, जहाँ पर CSO का full form है Central Statistics Organization. It consists of majorly the 8 core industries जिनके नाम है electricity, steel, refinery, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizers, जो कि इस particular IIP का big part है। Similarly यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अब नया base year है आपका IIP का, the new base year guys is 2017-18 जो कि नया base year है आपका IIP का, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। तो दोस्त अगर आपको समझ में आया तो आप शो को लाइक भी कर सकते हैं और इसको बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं और आपको ले चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टर्म पर, और ये रहा आपके सामने द वेरी नेक्स्ट टर्म गाइस। चलिए सो अगेन गाइस लेट्स अगेन रीफोकस, चलिए फोकस फिर से करते हैं हम इस पे बिकॉज अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे फाइनेंशियल टर्म्स। तो जल्दी से फोकस करते हैं दोस्त एंड दिखा दें हम आपको स्क्रीन पर कि फाइनेंशियल टर्म्स अब कौन कौन से हैं, और ये रहा आपके सामने।
तीन टर्म्स है दोस्त. द नंबर वन टर्म इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, द सेकेंड टर्म इज फॉरन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, और थर्ड टर्म है आपके सामने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. वापस स्क्रीन पे दोस्त आते हैं. एक कंपनी है नीरव ज्वेलरी. दिस कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम अ कस्टमर कॉल्ड एज भोला सेठ. नीरव ज्वेलरी है, उन्होंने एक लोन लिया है, उन्होंने एक लोन लिया है, और ये लोन लिया है उन्होंने भोला सेठ से. अच्छा, अब इस लोन के अगेंस्ट इट विल प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट. दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर. तो नीरव ज्वेलरी हैं, नीरव ज्वेलरी वाले हैं, उन्होंने लोन लिया है कस्टमर से, कस्टमर नाम भोला सेठ. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर लोन नीरव ज्वेलरी विल प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट दैट विल एक्नॉलेज दैट अ लोन हैज टेकन. इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नीरव जी एक डॉक्यूमेंट देंगे जो एक्नॉलेज करेगा, जो परिभाषित करेगा कि भाई हमने लोन लिया है. दिस डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज अ डिबेंचर. नाउ दिस डिबेंचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल मीन्स दैट द अमाउंट विल बी कन्वर्टेड इन टू शेयर्स एंड भोला सेठ विल बिकम अ शेयर होल्डर. नॉन कन्वर्टिबल मीन्स दैट द अमाउंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इट विल बी पेड प्लस इंटरेस्ट. सो दोस्त यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि डिबेंचर जो होगा यहाँ पर दो प्रकार का होगा, ईदर इट कुड बी कन्वर्टिबल और इट कुड बी नॉन कन्वर्टिबल. नाउ कन्वर्टिबल मीन दैट देर इज अ सिनारियो दैट द अमाउंट मे और मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, उसे चाहे या चाहे नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में. पर नॉन कन्वर्टिबल में आपका कन्वर्जन नहीं होगा, इट विल बी पेड विद इंटरेस्ट. वापस स्क्रीन पर दोस्त आते हैं. सो एनी डिबेंचर, any bond issued by a company which cannot be converted into shares, that bond or that debenture is called as a non-convertible debenture. ऐसा ऋण पत्र जिसे हम convert नहीं कर सकते हैं bonds में या debentures में, जिसे हम convert नहीं कर सकते हैं shares में, उसे हम कहते हैं एक non-convertible debenture. मैं इस A4 sheet को comments में डाल दूंगा, PDF में परेशान ना होइएगा. चलिए अब ले चलते हैं हमारे next term पे. Next term दोस्त है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल भोला सेठ एक इंडियन कंपनी है, दे इशूड अ बॉन्ड और अ डिबेंचर not in rupees but in dollar. This bond or debenture can be converted into shares. So ऐसे bond को हम नाम देंगे foreign currency convertible bond. So screen पर दोस्त आप देख सकते हैं, I hope आपको समझ में आ रहा होगा पूरी चर्चा हमारी यहाँ पर, एंड ये रही आपके सामने चर्चा भी. दोस्त अब तक अगर पसंद आया तो शो को लाइक करना मत भूलिएगा. चलिए तो ये हमारे सामने चर्चा दोस्त, देखिएगा स्क्रीन पे ध्यान से कि अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड वेयर एन इंडियन कंपनी और एनी कंपनी विल प्रोवाइड अ बॉन्ड नॉट इन द डोमेस्टिक करेंसी बट इन अ फॉरेन करेंसी विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ शेयर. ऐसा बॉन्ड जहाँ पर कि हम एक डिबेंचर को या बॉन्ड को इशू करते हैं एक फॉरेन करेंसी में, इट इज़ नॉट इशूड इन अ रुपी, and that bond can be also converted into shares. Such a bond is called as foreign currency convertible bonds. दोस्तों पूरा छप गया, अगर छप गया तो एक बार डाल दो कमेंट्स में yes sir पूरी तरीके से छप गया है, क्लियर कट पूरा हो गया है, और अगर पसंद आ रहा है तो लिख दो yes sir yes sir yes sir हमें समझ में आ गया है. चलिए वापस चलते हैं PPT पर, आपको दिखाते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म, और ये रहा PPT दिखा दें. तो थर्ड टर्म गाइज दैट इज अमेरिकन
डिपॉजिटरी रिसीट. तो नेक्स्ट हमारा है दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. फॉर एग्जाम्पल बिल्ला गारमेंट्स wants to get listed in New York Stock Exchange. Okay, Birla Garments hai, it wants to get listed in the New York Stock Exchange. Dhyan dijiyega ki New York Stock Exchange aapka ek American Stock Exchange hai aur Birla Garments jo hai wo ek non-American company hai. देखते भैया मस्ती के साथ पढ़िएगा, परेशान ना होइएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बिरला गारमेंट्स. नाउ बिरला गारमेंट्स वॉन्ट्स टू लिस्ट इट्स कंपनी इन द NYSE जो कि एक अमेरिकन कंपनी है. नाउ बिरला गारमेंट्स विल गो टू बैंक ऑफ अमेरिका विच इज एन अमेरिकन बैंक एंड फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका इट विल ऑफर शेयर्स टू offer shares in USA in dollars. Now for these offering BOA will issue a document. This document will called as an American depository receipt. सुनते रहेगा ध्यान से भाई. बिरला गारमेंट्स हैं और बिरला गारमेंट्स चाहते हैं, इट वॉन्ट्स टू लिस्ट इट सेल्फ इन दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. वो चाहते हैं कि वो NYSE में लिस्ट हो जाएं. उसके लिए बिरला गारमेंट्स विल गो टू बैंक ऑफ अमेरिका जो कि अमेरिकन बैंक है और वो इसको ऑफर शेयर कराएगा. इस ऑफरिंग के लिए BOA एक इशू करेगा एक डॉक्यूमेंट, से कहा जाएगा ADR, दैट इज कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. तो बेसिकली होगा क्या, ADR इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय एन अमेरिकन बैंक टू अ नॉन अमेरिकन कंपनी टू इशू शेयर्स इन USA इन डॉलर. तो दोस्त यहां देखिएगा ध्यान से, ADR जो आपके सामने है, ADR बेसिकली इज अ सर्टिफिकेट दैट इज इशूड बाय एन अमेरिकन बैंक टू अ नॉन अमेरिकन कंपनी वेयर बाय द नॉन अमेरिकन कंपनी कैन इशू शेयर्स इन USA इन द करेंसी दैट इज डॉलर. तो ये आपके सामने दोस्त दिया हुआ है और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया है कि बेसिकली ये चीज है क्या. सो आई अगेन रिपीट, ADR guys is basically a certificate issued by an American bank to a non-American company which is trying to issue shares in the US in dollars. Sunny Paji ko zara block kar do bhai, kuch zyada hi maze kar rahe hain. To dost agar aapko clear ho gaya to ek baar likh dijiye yes sir it is clear. Ab dikha dein isi ka PPT aur ye raha aapke samne the PPT of this particular part and ye raha aapke samne the PPT. ADS, that is American Depository Receipt, is basically a receipt, a certificate issued by a US bank representing a specified number of shares in a foreign stock traded on a US exchange. Example, Reliance company hai, wo list karti hai NYSE mein, wo jati hai, wo share sell karti hai through BOA and BOA issue karta hai certificate, usse kehte hai hum ek American Depository Receipt, jo ki aapke samne yahan par diya bhi hua hai. To jinko agar 50% bhi aa gaya hai, comment mein dal dijiye, yes sir, 50% हमारा क्लियर हो गया है, ताकि हम आगे बढ़ पाएं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे गाइस. चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, दिखा दे हमारी नेक्स्ट इमेज एंड वो ये रही आपके सामने ऑन द स्क्रीन. पेटीएम जो है इट हैज बीन नेम्ड एज एन IPL ऑफिशियल पार्टनर. आई दिखाते हैं आपको हेडलाइन, दिस हेडलाइन इज मेंशनड ऑन पेज नंबर 15 एंड वो ये रही आपके सामने. वन सेकेंड, यस इट इज ऑन पेज नंबर 16, माफ कीजिएगा. ये रहा आपके सामने, पेटीएम नेम्ड IPL ऑफिशियल अंपायर पार्टनर, दैट इज आर हेडलाइन.
The BCCI on Monday announced a partnership with Paytm's the official umpire partner of the IPL. तो जो एक official umpire partner है जो umpire के shirt पर जो logo लगेगा that logo will be of the Paytm company जो कि आपके सामने यहाँ पर किया हुआ है. So Paytm is the official umpire partner in the Indian Premier League जो कि आप screen पर भी देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखा दें हमारी next image and ये रही आपके सामने the next image guys. दिखा दे स्क्रीन पर. इंडिया टॉप्स एट द मेडल टैली इन द वर्ल्ड कप ऑफ शूटिंग, स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा. इंडिया टॉप्स मेडल्स टेबल. इंडिया हैज टॉप्ड द मेडल्स टैली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ शूटिंग वर्ल्ड कप बट द स्कीट शूटर्स हैव मिसफायर्ड. इंडिया हैज बैग्ड 9 मेडल्स आउट ऑफ विच 4 आर गोल्ड वाइल यूएस फिनिश सेकेंड विथ 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड मेडल्स. तो जो इस समय अभी हाल ही में आपका हुआ शूटिंग वर्ल्ड कप उसमें इंडिया को जीते हैं 4 गोल्ड मेडल्स और ओवरऑल इंडिया हैज वन 9 मेडल्स इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट इटसेल्फ जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर दोस्त ध्यान दीजिएगा कि ये वो लोग हैं जिनको मिले हैं गोल्ड मेडल्स जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है. दिखा दें स्क्रीन पर इसको कि जूम कर दें. द गोल्ड मेडल्स हैव बीन वन बाय मनु भाकर, बाय शजार रिजवी, बाय ओम प्रकाश मिथारियाल एंड बाय अखिल शेरुआ. इन लोगों को मिला है गोल्ड मेडल्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू द शूटिंग टीम बिकॉज दे हैव मेड अस प्राउड एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर एट द नंबर वन स्पॉट जो कि आपके सामने यहां पर दिया भी हुआ है. सो वी हैव मनु भाकर, शजार रिजवी, ओम प्रकाश मिथारियाल एंड वी हैव अखिल शेरुआ जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी दिया हुआ. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन नाउ गाइस एंड आप दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज एंड ये रही आपके सामने the next image. This is one of the last headlines guys of the Hindu paper and फिर हम focus करेंगे अपने next paper पर. Legendary French designer is dead. इनका नाम दोस्त है Hubert de Givenchy and he has passed away. He was 91 years of age and he was a designer for famous celebrities like Audrey Hepburn and the former first lady of US Jackie Kennedy. तो स्क्रीन पे आप दोस्त देख सकते हैं कि Robert de Givenchy who was a famous designer has passed away. He designed clothes for Audrey Hepburn and also for Jackie Kennedy and he was 91 years of age. तो ये आपके सामने यहाँ दिया हुआ है. Now he was famous for the little black dress which was worn by Audrey Hepburn in the movie Breakfast at Tiffany's. तो उसके लिए ये काफ़ी famous यहाँ पर थे. तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, legendary French designer Givenchy is dead. उनका नाम है Hubert de Givenchy and he was designer for Audrey Hepburn, Jackie Kennedy and he was famous for the little black dress which was worn by Audrey Hepburn in the movie Breakfast at Tiffany's. उसके लिए ये काफ़ी famous हो गए थे. दिखा दें इसी का द हिंदुस्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने. Hubert de Givenchy has who became famous for the little black dress and also styled Audrey Hepburn and Jackie Kennedy has passed away. He was 91 years of age. He was famous for the black sheath dress called as the little black dress जो कि पहना था by Audrey Hepburn in the movie Breakfast Tiffany जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है. So rest in peace to the designer mogul and as he has passed away. और चलते हैं हमारी आखिरी खबर पे from the Hindu और ये रही आपके सामने the last खबर guys and this is the खबर. British comedy veteran Ken Dodd has died at 90 years of age. British comedian है Ken Dodd, इनका देहांत हो गया है. He was basically a famous comedian and he has passed away. तो दोस्त यहाँ पर हमारी आखिरी हेडलाइन है, ब्रिटिश कॉमेडी वेटरन केन डॉड हैज़ पास्ड अवे. ही वॉज एजड एट 90 साल के थे और उनका देहांत अब दोस्त आपके सामने हो गया है. चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट पेपर की हेडलाइंस. चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट पेपर पे और ये रहा द पीपीटी गाइज एंड दिस इज द पीपीटी फॉर द इंडियन एक्सप्रेस. दिखा दें स्क्रीन पर. लेट्स फोकस ऑन द हेडलाइंस ऑन द इंडियन एक्सप्रेस गाइज एंड ये रही आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन. दलाई लामा, मेरे को ले आओ, दलाई लामा टू स्किप साइंस कांग्रेस. देखो दो बातें हैं. दलाई लामा वॉज टू विजिट द 105th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि आपका मणिपुर में हो रहा था, पर मणिपुर में वो अब नहीं जाएंगे बिकॉज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड. इसलिए भी कंसर्न्ड है बिकॉज दिस ईयर इज द 60th ईयर सिंस द दलाई लामा एग्जाइल्ड फ्रॉम टिबट. तो ये दो चीज़ों के लिए न्यूज़ में था
पहला तो यहाँ पर न्यूज़ में था कि मणिपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है द 105th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस नंबर वन, एंड नंबर टू ही विल नॉट विजिट द कांग्रेस बिकॉज कई सारे एक्यूजेशन है, कई सारे पंगे हैं, एंड थर्ड द रीज़न वाई इट इज़ अ बिग इशू बिकॉज इट इज़ द 60th ईयर सिंस द दलाई लामा एग्जाइल्ड फ्रॉम टिबेट. तो उसको लेकर 60 साल हो गए हैं दोस्त. अगर पसंद है ज्योति कुमार जी को सेशन बोरिंग लग रहा है, क्या सेशन बोरिंग है मेरे भाई, मुझे तो नहीं लगता, इनको लग रहा है भाई आप मत देखो मैम. चलिए नेक्स्ट है पॉइंट, एचआरडी अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर धनबाद. दो डायरेक्टर्स बने हैं आपके आईआईटी कानपुर में और धनबाद में. आईआईटी कानपुर डायरेक्टर बने हैं अभय खरिंदकर, एंड धनबाद डायरेक्टर बने हैं आपके राजीव शंकर शेखर. तो यहां पर बने हैं दो आपके नए डायरेक्टर्स, वन फॉर आईआईटी कानपुर एंड द अदर फॉर आईआईटी धनबाद. फॉर आईआईटी कानपुर इट इज अभय खरिंदकर एंड फॉर धनबाद इट इज राजीव शेखर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो. चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट हेडलाइन. IKEA हैज अपॉइंटेड पीटर बेजेल एज इंडिया CEO. इंडिया CEO आपके बने हैं पीटर बेजेल, जो कि कंपनी है स्वीडिश कंपनी, उसका नाम IKEA है, उसके बने हैं द न्यू CEO, एंड हैज रिप्लेस्ड जुवेन CEO मैट्ज़ू. और इससे पहले पीटर बेजेल वॉज द हेड ऑफ द जर्मन विंग ऑफ IKEA. तो यहाँ दोस्त समझ में आना ध्यान से कि IKEA के नए बने हैं आपके अध्यक्ष, नए बने हैं CEO मिस्टर पीटर बेजेल. ही हैज रिप्लेस्ड जुवेन CEO मैट्ज़ू, एंड प्रायर टू दिस पर्टिकुलर जॉब ही वॉज द हेड ऑफ द जर्मन विंग ऑफ IKEA. IKEA दोस्त एक स्वीडिश कंपनी है. नेक्स्ट आपके सामने है NDB. नाउ NDB स्टैंड फॉर नेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. दे हैव टाइड अप फॉर सोलर एनर्जी. सौर ऊर्जा के लिए NDB और ISC ने टाइप किया है, जहां पर NDB का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड ISC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. उसके बाद IBBI एंड RBI दे हैव इंक्ड अ पैक्ट फॉर इंक्रीज्ड कोऑपरेशन के लिए IBBI ने और RBI ने एक टाइप किया है, जहां पर IBBI का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दीज टू हैव कम टुगेदर एंड दे विल इंक्रीज कोऑपरेशन. तो यहां पर सवाल बनेगा कि RBI हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, द आंसर विल बी IBBI. देन गाइज वी हैव प्रभु, सुरेश प्रभु, ये बने हैं नए, ही हैज टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ द एविएशन मिनिस्ट्री, या एविएशन मंत्रालय के भी नए मिनिस्टर बने हैं. आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी अगली खबर पर, और ये रहे गाइस द अदर करंट अफेयर्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वो सारी खबरें हैं जो छूट गई हैं द हिंदू शो में, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. लोकेश राहुल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन एवर टू बी हिट विकेट इन T20s. T20s में हिट विकेट होने वाले पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं लोकेश राहुल. इससे पहले इन टेस्ट लाला अमरनाथ वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी हिट विकेट, एंड नयन मोंगिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू बी हिट विकेट इन ODIs. तो T20s में अगर बात करें तो वहाँ पर लोकेश राहुल बने हैं पहले ऐसे भारतीय, और वनडेज में ऑलरेडी थे नयन मोंगिया, एंड टेस्ट में आपके लाला अमरनाथ आपके सामने स्क्रीन पर दिया भी हुआ है. ये GK की न्यूज़ है दोस्त, ये न्यूज़ है हमारे ऑनलाइन सोर्सेज से, ये बैंक अड्डा की न्यूज़ नहीं है. देन वी हैव रेलवे स्टॉप्स ऑनलाइन बुकिंग ऑफ आई टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग अब आपकी 1 मार्च से नहीं होगी. फ्रॉम 1 मार्च टिकट्स विच आर बेसिकली द ऑनलाइन वर्जन ऑफ द रिजर्व टिकट्स फ्रॉम द काउंटर, वो जो टिकट्स आपके हैं उनकी अब दोस्त बुकिंग नहीं होगी. देन द थर्ड हेडलाइन, इंडिया फ्रांस हैव प्लेज्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट. दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनेगा इंडिया में, एंड ये बनेगा इन द जैतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. और यहाँ पर जो इसका जो एक कैपेसिटी होगा दैट विल बी एट 9.6 GW, और इसको बनाया जाएगा बाय 2 कंपनीज, वन इलेक्ट्रिसिट द फ्रांस SA एंड इंडियाज न्यूक्लियर पार्क कॉर्पोरेशन. ये मिलकर बनाएंगी इंडिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, जो कि बनेगा इन महाराष्ट्र जैतापुर, एंड उसकी कैपेसिटी होगी एट 9.6 GW. अब यहां पर सवाल क्या बनेंगे, यहां सवाल बनेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी हिट आउट विकेट इन T20s. द आंसर इज लोकेश राहुल. क्वेश्चन नंबर 2, आई टिकट्स विल बी स्टॉप्ड थ्रू ऑनलाइन बुकिंग टिल विच डेट, मार्च 1. क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट बिल्ट, द आंसर
answer is Jaitapur. And what is the capacity? The capacity of that particular plant is 9.6 gigawatt. So let's come back to the screen, guys. चलिए तो यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर, इट इज क्रिस्टल क्लियर. यस सर, हमें पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया. क्लियर हो गया है तो दोस्त चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा क्विज, बिकॉज नाउ वी हैव द क्विज गाइज. एंड मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि हम 50 मिनट के अंदर पूरा शो अपना खत्म कर देंगे. सो लेट्स हैव द रैपिड फायर गाइज. एंड हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट बजट हैज अनाउंस्ड annual stipend for girls in the state to purchase sanitary napkins. इनमें से किसने, किस स्टेट के बजट में एक अलग से रखा गया annual stipend for the purchase of sanitary napkins? And the answer here guys is, it is Assam. दिखाते हैं अब आपका next सवाल. Who is the governor of Assam? Assam के इस समय governor कौन है? And the answer here guys is, it is, दिखा दें answer, it is Jagdish Mukhi. आते next सवाल पर. Which is India's first आइलैंड डिस्ट्रिक्ट? भारत का पहला आइलैंड जिला इनमें से कौन सा है? एंड द आंसर हियर गाइस इज, इट इज ऑप्शन, इट इज माजुली, जो कि यहां पर बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है. दिखाते हैं अब आपको अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज द हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर? इनमें से किस पार्क की सर्वाधिक डेंसिटी है टाइगर्स की? एंड द आंसर हियर गाइस इज, इट इज ऑप्शन, द आंसर इज, इट इज काजीरंगा. ले चलते हैं आपको अगले सवाल पर. नेम वन मेजर डांस फॉर्म ऑफ असम. असम का एक प्रमुख डांस फॉर्म का नाम बताइए. एंड द आंसर हियर गाइस इज, इट इज झूमूर. कई और आंसर्स भी हैं पर इसका आंसर झूमूर भी बिल्कुल हो सकता है. तो चलते हैं आपको अगले सवाल पर. विच विलेज हैज बिकम द फर्स्ट एल्कोहल फ्री विलेज इन रांची? इनमें से दुनिया का रांची का पहला एल्कोहल फ्री विलेज कौन सा है? एंड द आंसर हियर गाइस इज, इट इज बन लोटोबा. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है. दिखाते हैं अगला सवाल. इट इज़ दी ओनली स्टेट, झारखंड इज दी ओनली स्टेट इन इंडिया टू प्रोड्यूस कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड विच अदर मिनरल. कौन सा एक और मिनरल बनाता है आपका झारखंड? द आंसर हियर गाइज इज, इट इज पायराइट. पायराइट वो आपका एक है यूरेनियम के अलावा, जो कि इसको बनाता है आपका झारखंड. चल दिखाते हैं आपको हमारा अब अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज इन झारखंड? इनमें से कौन सा आपका नेशनल पार्क है जो कि झारखंड में पड़ता है? दैट इज माई क्वेश्चन गाइज. एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज द बेतला नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है आपका इन द स्टेट ऑफ झारखंड. दिखाते हैं आपको अगला सवाल. विच फ्रेंच कंपनी हैज सेट अप अ सोलर पावर प्लांट इन मिर्जापुर? कौन सी फ्रेंच कंपनी ने एक सोलर पावर प्लांट बनाया मिर्जापुर में, जिसको कि सेटअप किया है जिसको कि इनॉग्रेट किया है बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट? द आंसर हियर गाइस इज, इट इज ऑप्शन, इट इज एंगी. एंगी नाम है उस प्लांट का जिसको सेटअप किया है मिर्जापुर के अंदर. दिखाते हैं अगला सवाल. What is the capacity of this power? इस power plant की capacity कितनी है? That is my question. And the answer here guys is, it is 75 megawatt. जो capacity है इस particular power plant की as per the Hindu. आगे चलते हैं. S-400 defense system is from which country? जो S-400 defense system है वो कौन सी country से है? And the answer is, it is Russia. Russia से आपका है the S-400 defense system. Let's see the next question. What is the growth of IIP? IIP का growth क्या है January महीने में? And the answer here guys is, the answer is, it is 7.5%. Next सवाल पे आते हैं. What is retail inflation based on CPI? CPI based inflation कितना है February महीने का? And the answer here guys is, भैया जल्दी से आंसर करो, मुझे answers आपके नहीं मिल रहे हैं. And the answer here guys is, it is at 4.4%. Next सवाल पे आते हैं. What is the new base year of CPI? CPI का नया base year क्या है? And the answer here guys is, it is 2018. नया जो base year है वो आपके सामने है 2018. दिखाते हैं आपको अगला सवाल. Hubert de Givenchy was a famous. Hubert de Givenchy जो हैं वो एक famous क्या थे? इनका ध्यान हुआ है दोस्त. And the answer here guys is, it is, he was a very famous फैशन डिजाइनर. चलिए अब दिखाते हैं आपको डेजी के अपडेट्स. दोस्त इतना सब कुछ अगर आपको 50 मिनट मिल रहा है तो आप अब कहाँ जाएंगे? आप यही पढ़िए, बहुत है. दिस इज इनफ फॉर करंट अफेयर्स. अगर इतना भी आपको काफी नहीं लग रहा है तो भगवान ना जाने क्या काफी लगेगा. सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन.
What is the cost of the solar power plant in Mirzapur? Mirzapur में solar power plant है, उसकी cost कितनी है? That is my question, guys. The answer is, it is at 680 करोड़. ये है cost आपकी solar power plant की. दिखाते हैं अगला सवाल. What is the corpus of AHIDF for financing infrastructure requirement of animal husbandry sector? कितना cost है? Corpus है आपका आपका AHIDF का. And the answer here, guys, is it is 2450 crore. दोस्त, ये सारी जो आपके questions हैं, these are from the Daily GK updates of Bankers Adda. दिखाते हैं next सवाल. Apart from Haryana and MP, which other state has passed an amendment bill rewarding death penalty for convicts involved in the rape of girls below 12 years of age? 12 साल से कम की महिला girls की rape के लिए इनमें से हरियाणा MP के अलावा वो दूसरा state, तीसरा state कौन सा है जिसने की एक death penalty का एक penalty रखी है? The answer is, it is the state of Rajasthan, जहां पर कि ये आपके applicable है. दिखाते हैं अगला सवाल. At which lake shall the Institute of Bioresources and Sustainable Laboratory set up a floating laboratory? इनमें से कौन से lake पर जो IBSD है वो एक floating laboratory बनाएगा? And the answer here, guys, is it is the Loktak Lake. आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगर मजा आ रहा है तो शो को लगातार लाइक करते रहो and please अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करना. And ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन. The Fugitive Economic Dash Bill 2018 has been introduced in the Lok Sabha. The Fugitive Economic Dash Bill, इसमें dash का यहाँ पर full form क्या है? And the answer here, guys, is it is offenders. दिखाते हैं अगला सवाल. The minimum default above which it shall apply, कितने amount के ऊपर आपका ये bill apply किया जाएगा? And the answer here, guys, is it is 100 करोड़. 100 करोड़ के ऊपर इस bill को apply किया जाएगा. दिखाते हैं अगला सवाल फिर से. India France have inked how many agreements in key areas including defense, security, nuclear energy and others? Kitne agreement kiye hain Bharat aur France ne? We all know the French president is in India and unke sath agreement ho, kitne agreements unhone kiye hain India ke sath? And the answer here, guys, is it is 14. 14 agreements have been done between India and France. Dikhate hain agla sawal. I metros kya hai? What do you mean by I metro? Dost, main phir se repeat karunga. Ye sare sawal jo aapke hain, they have been made from the Bankers Adda Daily GK update of 12th of March. To mujhe ummeed hai ki aap inke answers kar payenge. So I metro basically is an, dikha de answer, it is an association of all India metro and rail companies which will act as a forum of exchange of ideas and innovations. Le chalte hain aapko agle sawal par. AHIDF for Animal Husbandry Dash Development Fund. AHIDF का full form क्या है? What does I stand for in AHIDF? And the answer here, guys, is it is infrastructure. Full form is Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. Let's focus on the last question. And here आपके सामने last question, guys. Radha Mohan Singh represents Dash constituency in Bihar. जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनकी इनमें से constituency कौन सी है? And the answer here, guys, is the answer is it is the पूर्वी चंपारण, जो कि यहाँ पर एक करेंसी है. चलिए अब ले चलते हैं आपको हमारी लास्ट इमेज पर. एंड हियर ही आपके सामने लास्ट इमेज. Sometimes you have to get knocked down lower than you have ever been to stand back up taller than you ever were. कई बार आपको गिरना पड़ता, इतना गिरना पड़ता है कि जब आप अगली बार उठें तो अपनी ऊंचाई से, अपनी एक सफलता से अधिक उठें. So with that intention, guys, to everyone who is a failure, to everyone who is not getting the life sorted, भाई परेशान ना होना. The God has a plan for you. Keep on doing your hard work. Keep on doing the work that you want to do. And inshallah, भगवान आप सबको आपकी जो कामनाएं पूरी करेंगे. And दोस्त, मेरी कामना यही है कि मैं शो को YouTube का सबसे बड़ा करंट अफेयर का शो बनाऊं. उसमें आप सबको मुझे सहयोग करना पड़ेगा. With this intention, guys, this is Kush Pandey signing out from the show. And peace out.